हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल अभी कॉमर्स क्लासेस में। और एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से आज नोटिस आई है कि जो भी ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन एडमिशन कल मीन्स 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आपको जाके फॉर्म भरना होगा, वेबसाइट होगी www.prsuunav.in, यहाँ पे आप जाएंगे और आपको फॉर्म भरना होगा और उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी स्टूडेंट्स की। जैसा कि पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था, प्रक्रिया इसी तरीके से थी। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स की क्या निकली थी, मेरिट लिस्ट निकली थी, उनके जो भी मार्क्स आए हैं ट्वेल्थ क्लास में परसेंटेज है उसके बेस पे। आपको करना ये रहेगा कि आपको इस लिंक इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जाना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक बार वहाँ जाके दिखाता हूँ, प्रोसेस हम देखते हैं। तो देखिए ये वेबसाइट खुल गई है prsuunav.in। इसमें आपको जाना है और अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा, बट कल आपको शो करेगा। ये स्टूडेंट लॉगिन में आप जाएंगे, ऑरेंज कलर का मैंने इसे क्लिक कर दिया है, और इसमें जाने के बाद ये खुलेगा। लेट्स वेट, थोड़ा वेट करना होगा हमें, वेबसाइट थोड़ी स्लो है। जो वेबसाइट खुल रही है थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि आज ही ये नोटिफिकेशन आया, तो वेबसाइट थोड़ी सी बिजी है। चलिए तब तक मैं आपको और इसके बारे में कुछ बता दूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि प्रोसेस क्या होगा, आपको पहले इस लिंक में जाना होगा, अभी खुल होगा उसके बाद हम देख लेंगे उसको। और 1 अगस्त से प्रक्रिया चालू हो जाएगी, आपको फॉर्म भरना होगा, आपको कॉलेज का चयन करना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, उस कॉलेज का आपको क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। हो सकता है 3 से 4 कॉलेज चयन करने के आपको ऑप्शन दिए हुए हो, तो आप उसको सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए पहला प्रेफरेंस आपका कॉलेज ए है, सपोज कॉलेज का नाम क्या है, ए है, तो आप उसे रख लीजिए। सेकंड प्रेफरेंस मान लीजिए कॉलेज का नाम बी है, तो बी कॉलेज को आप सेकंड प्रेफरेंस रख लीजिए, इस तरीके से। ओके, तो जितने भी कॉलेज हैं, अगर आप रायपुर से बिलोंग करते हैं तो रायपुर में जो भी कॉलेजेस हैं उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस करके चयन वहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप प्रोसेस आगे करके अपना फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, वेबसाइट खुल गया होगा तो वहाँ मूव करते हैं। ओके, तो ये वेबसाइट खुल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन में गए तो यूजर नेम और पासवर्ड दिखा रहा है, बट क्योंकि आप अभी न्यू स्टूडेंट्स होंगे तो आपका कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा इसमें क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए ये डिटेल्स मंगेगा, आपका फुल नेम, यूजर नेम जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप फेसबुक आईडी बनाते हैं तो अपना एक यूजर नेम बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ भी बनाना पड़ेगा। अपना नाम लिख देंगे फुल नेम में, सपोज चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल, हिना अग्रवाल, इट इज़ माय फुल नेम। एंड यूजर नेम मैं चाहता हूँ, चलिए सपोज अभिनव 123 इज माई यूजर नेम दैट आई वॉन्ट। और पासवर्ड जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं, ऐसा प्रोसेस होगा। ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है बता रहा है, ऑलरेडी किसी ने इस नाम से बनाया हुआ है, तो अभिनव 9 कोई भी रख लेते हैं अभी, वट एवर, देखते हैं शायद ये अवेलेबल हो, ये अवेलेबल है। इसके बाद पासवर्ड आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, और सपोज चलिए मैं रख देता हूँ कुछ पासवर्ड। और उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी पे के बेस पे फिर आगे आप क्या करेंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी मैं आपको इतना बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और इसमें जो डिटेल, जैसे ही लॉगिन चालू हो जाएगा, एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो जाएगा, उसका वीडियो भी हम लेकर आएंगे। अभी आपको कल इतनी चीज़ें करनी है, एक बार चेक करना है, और उसके बाद फिर आगे के वीडियो हम लेकर आएंगे। तो बस यही समराइज आपको कर दें हम कि कल से 1 अगस्त से ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, जिसमें आप जाकर कॉलेजेस का चयन कर सकते हैं। सपोज आप अग्रसेन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका पहला ऑप्शन, पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, अग्रसेन कॉलेज। ओके,
तो पहला प्रेफरेंस आपका हो गया अग्रसेन कॉलेज, और इसके बाद और जो भी कॉलेजेस आप प्रेफरेंस में रखते हैं आपके परसेंट बेस पे, तो वो आप चुन सकते हैं। हम आपको बता दें अग्रसेन कॉलेज का लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत अच्छा गया था, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स से एडमिशन लेते हैं। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था अराउंड 96% के आसपास पहुँच गया था, सभी प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई भी अच्छी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कॉलेज को पहले प्रेफरेंस में डाल सकते हैं अग्रसेन कॉलेज को, और इसके अलावा सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ प्रेफरेंस में और जो भी कॉलेजेस हैं उसको आप साथ में रख सकते हैं, या इस जो भी कॉलेज आप पहले प्रेफरेंस रखना चाहें जरूर रख सकते हैं, और उसके बाद फिर बाकी कॉलेजेस को भी रखिएगा। और गलती नहीं कीजिएगा कि केवल एक ही कॉलेज आपने प्रेफरेंस में रखा और आगे बढ़ गए। कई बार होता है कि किसी एक कॉलेज के लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाता, तो जो सेकेंड प्रेफरेंस आपने रखा है हो सकता है उस कॉलेज में आपका नाम आ जाए, या थर्ड प्रेफरेंस आपने रखा है उस कॉलेज में आपका नाम आ जाए, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज का लगेगा, जिसका आप स्कैन करके या मोबाइल से इमेज खींच के ही आप रख लीजिए, और ताकि आप उस समय उसको अपलोड कर सकें। इसके अलावा आपके सिग्नेचर की भी आपको जो है एक सिग्नेचर आपको लगेगा आपका, तो उसका भी एक खाली पेपर में सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो खींच कर रखें, तैयारी करके रखें, जिससे आपको उस समय फॉर्म फिल करते समय प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके अलावा 10th क्लास 12th क्लास ये सब का आपको क्या लगना है, रोल नंबर, मार्कशीट भी लगेंगी इसकी, इसकी भी फ़ोटो खींच के आप रखें, आप या स्कैन करके रखें, ताकि आप तुरंत उसे अपलोड कर सकें। और इसके अलावा जो भी डिटेल वहाँ पे मांगेगा तुरंत तुरंत भी आप उसको वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा फॉर्म कैसे फिल करना है और आगे डिटेल में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल से तैयार हो जाइए। थैंक यू।